नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया बनाए गए स्टार प्रचारक। आपको बता दें कि आज कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं विनेश। बाड़ा और जुलाना से भी लड़ने के आसार। आपको बता दें, दो दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने के साथ ही अटकलें तेज हो गई थी और आज इन अटकलनों पर विराम भी लग सकता है, जहां विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगी और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इस समय सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में भी थे और इसके बाद अब बजरंग पुनिया को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है, स्टार प्रचारक बनाया गया है। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। समीक्षा, देखिए, जिन चीजों का कयास लगाया जा रहा था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगी और आज वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकती हैं। फोन का टिकट तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया होंगे स्टार प्रचारक। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय हम आपको हिंदी खबर पर दे रहे हैं, जहां आज कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। अभी हाल ही में ओलंपिक्स में अपने वेट के चलते प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई थी विनेश फोगाट, जिसके बाद ये लगातार चर्चा में बनी हुई थी और उसके बाद से ही कांग्रेस के संपर्क में थी। राहुल गांधी से मुलाकात कर ये तस्वीर साझा की गई थी, जिसके बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बड़ी खबर मिल सकती है और ये बड़ी खबर यही है कि विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होंगे। बजरंग पुनिया को स्टार प्रचारक बनाया गया है तो विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहां बाड़ा और जुलाना से चुनाव लड़ने के आसार। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए, विनेश और बजरंग पुनिया को लेकर के जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आज उम्मीद है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं दोनों ही खिलाड़ी। देखिए, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से आज कहा गया था कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत और काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। तो वहीं जींद के जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट देने की बात कही जा रही है, तो वहीं झज्जर से बजरंग पुनिया टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि विनेश फोगाट के प्रचारक बजरंग पुनिया को बनाया गया है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है झज्जर के झुलाना से कुलदीप वत्स का टिकट कांग्रेस, ये इस वजह से हो सकता है कि बजरंग पुनिया को कोई दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो अब वो 1:30 बजे का समय होगा जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कांग्रेस को ज्वाइन करेंगी और ऐसे में अब ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पहले कहा था जब ये पूरे पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर प्रोटेस्ट पर बैठे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये पूरी साजिश जो है कांग्रेस करवा रही है। और अब जब क्योंकि अटकलें तेज हो गई हैं, कुछ ही देर में वो लोग कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे, तो वीडियो काफी वायरल और जिसमें वो कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इनको पहलवानी से राजनीति में आना था, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त ये कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो वहीं 1:30 बजे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई और दिग्गज लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल समीक्षा, देखिए, अभी विनेश फोगाट जो है वो ओलंपिक्स में जब प्रतियोगिता से कर दी गई थी,
तो सहानुभूति की एक लहर देखी गई थी, लेकिन अब जब वो राजनीति में कदम रख रहे हैं तो कोई भी उन्हें बख्शेगा नहीं, यानी विपक्षी पार्टियां उनको घेरे में लेने की कोशिश लगातार करेंगी। अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है थोड़ी देर में, देखिए बड़ी एक ताकत जरूर मिल सकती है दोनों ही खिलाड़ियों के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद। देखिए अब से दो दिन पहले यानी कि 4 सितंबर को राहुल गांधी से दोनों ही पहलवानों ने यानी कि विनेश और बजरंग ने मुलाकात भी की थी और अब रास्ते उतराजे उसको लेकर के चर्चा की थी। हालांकि अब विरोध के स्वर काफी उठने लगे हैं और दोनों को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है कि किस तरह से, क्योंकि वो बैठे थे बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट पर बैठे थे, हालांकि वो WFI के अध्यक्ष भी थे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो अब ऐसे में ये जो तनातनी है ये काफी तेज हो गई है। बिल्कुल देखिए तनातनी तो जरूर तेज हो गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है वो अपनी मजबूती के लिए कई ऐसे बड़े चेहरों को शामिल करने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है।